पर तो नहीं दिखती है। ये 5 साल में सब कुछ हो गया देश के अंदर, ये कब तक चलने वाला है? तो मैं कहना चाहूंगा चुनाव को नौकरी चुनाव नहीं है, देश की तकदीर का फैसला करेंगे। मोदी जी जैसे पार्टी में वापस चुनाव जीत के आ गए तो आप दिमाग में रखो आगे चुनाव होंगे के होंगे, कोई गारंटी नहीं है, 50 साल तक राज करेंगे। ये बात मैं गंभीरता से कह रहा हूं, मेरा कोई राजनीतिक बात करने का उद्देश्य नहीं है। पूरे मुल्क के लोग घबराए हुए हैं, ये मीडिया वाले हो, मीडिया हाउसेज वाले, ये खुद दबाव में काम कर रहे हैं। मीडिया दिखा नहीं रहा है कांग्रेस की उपलब्धियों को, कांग्रेस के नेताओं को, मोदी 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 चल रहा है देश के अंदर, कुछ मीडिया वाले हिम्मत कर रहे हैं, बाकी तो दबाव में है। तो रवीश कुमार हिम्मत कर रहा है एनडीटीवी वाला, वो दया से कहता है 2 महीने आप जो है 2 महीने आप टीवी देखना बंद कर दो, ये गुमराह कर देंगे देश को, इनके एंकर भी, इनके मालिक भी, इनकम टैक्स सीबीआई ईडी के दबाव के अंदर है, मजबूरी में वो चाहते भी निष्पक्ष नहीं करा पा रहे हैं जनता को क्या सच्चाई है। और कहीं जनता गुमराह हो गई कि भाई ये तो मोदी मोदी आ रहा है, मोदी सब कुछ दिखता है, राष्ट्रभक्ति की बात मोदी के नाम से, वो राष्ट्रभक्त है और हम लोग यहां बैठे हुए सभी राष्ट्र विरोधी है। आप कल्पना कीजिए जिनकी सोच ये हो कि बीजेपी का फॉर्म भरो तब वो असली हिंदू बनता है, हम हिंदू नहीं है क्या? इस प्रकार की सोच के साथ राजनीति इसमें हो रही है। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि कृपा करके एक एक सीट बहुत महत्व रखती है, इस सीट को आप लोग किसी भी कीमत पर आप लोग कामयाब करो, हम चुनाव जीत के जाएं, केंद्र में झंडा बुलंद हो कांग्रेस का वापस, राज्य में हो, ये हमारा सपना होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की जरूरत है देश को, आज देश में कहने लग गए हैं लोग सब, जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि जो आज घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है देश में, जो नहीं होना चाहिए। आप प्यार से भाईचारे से राजनीति करो, हमारी कोई अदावत नहीं है बीजेपी से आरएसएस से, उनकी विचारधारा रहेगी देश के अंदर, वो रहे अपनी जगह रहे, हम खाली जनता के दरबार में जाकर अपनी बात कहें, वो अपनी बात कहें, जनता फैसला करे, वो फैसला सबको मंजूर हो, ये लोकतंत्र का कायदा है।